हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडिड ट्रीट। और आज की रेसिपी होगी भरवा करेला की, और इस रेसिपी में मैं आपको ड्राई और विथ करी दोनों ही बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 छोटे साइज़ के करेले लिए हैं। आप छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, और आप यहाँ पर लाइट ग्रीन करेले की जगह पर डार्क ग्रीन करेला भी ले सकते हैं। और अब इसमें एक हल्का सा कट लगा दें, जिससे कि उबालने के बाद इसके बीज को निकालने में आसानी होगी। और अगर आप बड़े साइज़ का करेला ले रहे हैं तो उसे 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, और उसके बाद इसी तरीके से उसमें भी कट लगा दें। और इसी तरीके से हमें सारे करेले में बीच में कट लगा देना है। और यहाँ पर मैंने करेले को पहले से ही धो लिया था, अगर आपने नहीं धोया है तो इसे अच्छे से धो लें। और अब एक प्रेशर कुकर लें और इसमें इन सारे करेलों को डाल दें। और करेले के साथ ही यहाँ पर मैं इसकी ग्रेवी के लिए 6 से 7 आलू लिए हैं, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसे भी इसमें डाल दें। और अब इसमें डाल दें 600 से 700 ml के करीब पानी। और यहाँ पर आलू को छोटे टुकड़ों में ही काट कर डालें, क्योंकि करेले बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए आलू को भी छोटे टुकड़ों में रखें। और अब इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगने तक पका लें। और जब तक हमारा करेला पक रहा है, तब तक इसकी स्टफिंग के लिए हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब धनिया लिया है, और 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 1 टेबलस्पून पीली सरसों, 7 से 8 सूखी हुई लाल मिर्च, और 10 से 12 काली मिर्च। और अब इसमें डाल दे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी। और अब इसे एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लें। यहाँ इस पेस्ट को साइड रखते हैं। और अभी हमारा करेला हो गया है रेडी, तो अब इसे प्रेशर कुकर से निकाल लें। और अब इसे पानी से निकाल करके एक प्लेट में रख लें और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। और अभी ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, जिससे कि हम इसके सीड्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसके बीज को निकालने के लिए आप किसी चम्मच का यूज़ करें, जिसके पीछे के साइड से आप इसके बीज को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा केयरफुली करें, क्योंकि हमें करेले को तोड़ना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इसके सारे बीज बहुत ही आसानी से निकल चुके हैं। तो आप इसी तरीके से सारे करेलों में से बीज को निकाल लें, और इसे भी हमें फेंकना नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। और अब इस करेलों को साइड रखते हैं, और इसके दूसरे पेस्ट के लिए एक जार लें और इसमें सारे बीज को डाल दें। और उसके बाद इसमें डालना है 1 कच्चा आम। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का कच्चा आम लिया है, और ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे स्किप ना करें। और यहाँ पर ये आम इसके बिटरनेस को बैलेंस करेगा, इसीलिए इसे ज़रूर डालें। और अब इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और ये बीज खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। तो अब इसे भी साइड रख दें। और अब करेले की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में डालें 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, और इसे 30 से 40 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। और जब तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दें, और इसमें डालें 1 टेबलस्पून जीरा, और इसे अच्छे से एक बार मिला लें। और उसके बाद डालें इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन, और उसके बाद इसमें डालें आधा कटा हुआ प्याज या फिर एक छोटा कटा हुआ प्याज, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना। और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। और आप इस रेसिपी को बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं। तो जहाँ भी मैंने प्याज और लहसुन का यूज़ किया, आप उसे ना यूज़ करें, और उसके बाद सारे प्रोसेस को सेम तरीके से फॉलो करें। यहाँ मैंने प्याज को हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है। और अब इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। और अब यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर दें, और इसमें डालें जो हमने पहले मसालों का पेस्ट बनाया था उसे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और यहाँ पर अभी फ्लेम को लो रखें। और यहाँ मैंने बाकी बचे हुए मसालों को भी पानी में अच्छे से धो करके इसमें डाल दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करें, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएं, तब तक जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ इसे पकाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। और जब मसाले अच्छे से ड्राई हो जाए, तब इसमें डाल दें दूसरा पेस्ट जो हमने आम और करेले के बीज का बनाया था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। और इसे भी हाई टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएं, या तब तक जब तक कि ये भी हल्का सा ड्राई ना हो जाए। और यहाँ आपको ये मसाला ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसे हम स्टफ़ भी करेंगे, और इसी से हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे।
तो यहाँ हमारा मसाला हो गया है रेडी। और इसे ऑफ़ करने से पहले एक बार आप नमक को एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, और इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून या फिर 3 टेबलस्पून के करीब आप इसे करेले में स्टफ़ कर दें। यहाँ पर भरवा बनाने के लिए छोटे करेले का यूज़ करना इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि जब आप इसमें स्टफिंग भरेंगे तो फ्राई करते वक्त ये निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये सभी तरफ से अच्छे से पैक होते हैं। और आप इसी तरीके से सारे करेलों को स्टफ़ कर लें। यहाँ पर हमारे करेले हो चुके हैं स्टफ़, और इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई लें और इसमें सरसों का तेल डालें और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म करें। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें स्टफ्ड करेलों को, और इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें क्योंकि इसे हमें पकाना नहीं है, इसे सिर्फ फ्राई करना है ऊपर से। और अब इसे सब तरफ से पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई करें, और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। और यहाँ हमारे करेले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और थोड़े गोल्डन भी हो चुके हैं, तो इसे निकाल लें और इसी तरीके से सारे करेलों को आप फ्राई कर लें। और सारे करेलों को फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में डालें 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 कटा हुआ प्याज और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। तो यहाँ पर आप इस प्याज और अदरक लहसुन को भी स्किप कर सकते हैं अगर आप इसे बिना प्याज के बनाना चाहते हो तो। और यहाँ अच्छे से इसे मिक्स कर दें और इसे हाई फ्लेम पर पकाएं। और यहाँ डाल दें 2 टेबलस्पून के करीब नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। और जब प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाए तब इसमें डाल दें उबले हुए आलू जो हमने पहले ही उबाल कर रखा था। यहाँ पर आप आलू की क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसमें कम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। और आलू को 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल दें स्टफिंग में हमने जो मसाला यूज़ किया था उसमें से जो भी बचा हो आप उसमें डाल दें। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं ऐसे ही चलाते हुए। और अब इसमें डाल दें 100 ml के करीब पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पर अब पकाएं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल दें 600 से 700 ml के करीब पानी, या फिर जितना गाढ़ा या पतला आपको ग्रेवी रखना हो आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें। यहाँ इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके पकाएं। और यहाँ अब इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी भी हो चुकी है, तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। सो यहाँ हमारी ग्रेवी भी रेडी है और करेले का भरवा भी रेडी है, तो आप इसे ड्राई भी खा सकते हैं और इस ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं।